नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। पश्चिम बंगाल के 4 नगर निगमों विधाननगर, चंदन नगर, आसानसोल और सिलीगुड़ी नगर निगम के चुनाव 22 जनवरी को कराए जाने वाले थे, लेकिन चारों नगर निगम चुनाव कराए जाने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में PIL दायर की गई थी। चुनाव आयोग द्वारा की गई नई तारीख की घोषणा। रेल दुर्घटना में घायल लोगों का हाल जानने और उनका बयान लेने के लिए जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे पुलिस कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी तलीफ खान सहित CRS के सदस्य। मैनागुड़ी में हुए रेल हादसे के पीड़ितों को दार्जिलिंग जिला तृणमूल युवा कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस युवा के तरफ से मैनागुड़ी में हुए रेल हादसे के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई है। शुक्रवार शाम को शहर के हाशमी चौक में तृणमूल युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मोमबत्तियां जलाकर और माल्यार्पण कर रेल हादसे में जितने भी मृतक थे उन सभी के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है और श्रद्धांजलि दी गई है। इसके अलावा युवा जमीनी नेताओं ने कामना की कि जो ट्रेन दुर्घटना में घायल हुए हैं और जिनका अभी भी अस्पताल में इलाज हो रहा है वे जल्द ही ठीक हो जाए। ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे तस्करों को पकड़ने के दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस को लक्ष्य कर चलाई गई गोली से एक युवक जख्मी हो गया है। उसके पेट के दाहिने हिस्से में गोली लगी है। शुक्रवार रात गंभीर हालत में उसे मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है जबकि एक फरार बताया जा रहा है। घटना मालदा के कालिया चौक के बलिया डांगा इलाके की है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम राजीव शेख बताया जा रहा है। इधर पुलिस ने 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक 7mm पिस्तौल के साथ असमौल शेख को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस को चकमा देकर शहाबुद्दीन शेख फरार हो गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। रेल दुर्घटना में घायल असम के धौला इलाके के रहने वाले सफीकुल अली जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उनके पास नहीं होने के कारण वह अपने घायल होने की जानकारी अपने परिजनों को नहीं दे पा रहे। इस जानकारी के बाद रेल मंत्री ने खुद आकर डाक विभाग से संपर्क कर पोस्ट ऑफिस के कर्मी के माध्यम से उसके घर पर खबर देने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश विफल हो गई। शुक्रवार को उसी दौरान इलाके के नमाज की तैयारियां चल रही थी। यह जानकारी पाकर स्थानीय मस्जिद कमेटी की ओर से सफीकुल अली के घायल होने की खबर उसके परिजनों को माइकिंग कर दी गई। इस बारे में रेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। जानकारी पाकर सफीकुल के बड़े भाई मदिफुल इस्लाम शनिवार को जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे। दुर्घटना के बाद से ही घायल यात्रियों के साथ असम पुलिस खड़ी थी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने आज नामची के नादम गुम्बा का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की समृद्धि की कामना की। गुम्बा का दौरा करते हुए उन्होंने समिति के सदस्यों के साथ बातचीत की और आश्वासन दिया कि गुम्बा के विकास के लिए सदस्यों की जो भी मांग होगी उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। पुरातन मालदा के बुलबुल मोड़ स्थित शनि मंदिर में चोरी की घटना के 2 दिन बाद ही पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर सामान को भी जब्त कर लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम विप्लव कर्मकार, मुस्ताफ शेख और इसराफिक हक है। चोरी का सामान खरीदने के आरोप में इसराफिक हक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले बुलबुल मोड़ इलाके के शनि मंदिर से काफी सामानों की चोरी की गई थी, जिसमें 9 नंबर वार्ड के स्कूल पाड़ा इलाके से लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा था और पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस पूछताछ के दौरान चोरी की घटना को चोर ने स्वीकार किया, साथ ही 2 लोगों को भी और नाम बताए हैं। मंदिर से घंटा सहित बहुत सारे पीतल का सामान की चोरी हुई थी, पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव से 33 नंबर वार्ड के तृणमूल प्रत्याशी गौतम देव ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में आज जनसंपर्क चलाया, घर घर जाकर अपने लिए वोट की भी अपील की। यूनाइटेड फ्रेंड्स एसोसिएशन और लायंस क्लब न्यू जलपाईगुड़ी और तेराई ब्लड बैंक के तत्वावधान में एक स्वेच्छा रक्तदान शिविर का आयोजन यूनाइटेड फ्रेंड्स एसोसिएशन प्रांगण में किया गया। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। तो
make a successful career in nursing is now possible. My studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such a great opportunity and enroll with med studies. Thank you. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम। सत्यम प्लाजा नियर भक्ति नगर चेक पोस्ट सेवक रोड सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com.